अपने ऐड देखी है दोस्तों? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फिर हमारी बस निकाली पापा। अपने उसी पापा से बोलो ना, तो मणिपुर में वॉर चल रही है पापा, रुकवा दो ना। वॉर रुकवा दी पापा। और फिर हमारी बस निकाली पापा। वॉर रुकवा दी पापा। और फिर हमारी बस निकाली पापा। क्या चिंटू की है? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बोला खुद के देश का वॉर तो रोक नहीं पा रहे, दो देशों को वॉर रोक के तुमको वापस लाएंगे। अबे गधों बेवकूफो, जो बच्चे फंसे हुए थे इस युद्ध के बीच में, उन बच्चों का स्टेटमेंट लेके देखो सरकार। भारतीय जनता पार्टी के एड वाले वीडियो में इस लड़की की एक्टिंग को लेकर, अब इस लड़की के साथ भारतीय जनता पार्टी के फेक दावे को भी सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से मजाक बन रहा है। साथ ही इस लड़की को भी भयंकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, रसिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने के झूठे दावे को भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही नकार दिया है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एड वीडियो में इस लड़की से कहलवाया है कि मोदी जी ने रसिया और यूक्रेन का युद्ध भारतीय छात्रों को युद्ध क्षेत्र से निकालने के लिए रुकवा दिया था। हालांकि ये दावा सरासर झूठ है। अब इस दावे को लेकर इस लड़की ने जिस प्रकार की एक्टिंग की है वो काफी मजेदार है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह से मीम शेयर कर इस लड़की का मजाक बनाने के साथ साथ मोदी सरकार पर भी तंज कर रहे हैं। इस लड़की के स्क्रीनशॉट पर अमीश देवगन एंकर का चेहरा लगाकर एक मीम शेयर ने लिखा, पापा तो एक्सपोज हो गया पापा। एक अगले मीम बाज ने लिखा, सब पापा को चोर बोल रहे हैं पापा। फिर इस लड़की के रुआसे नकलची चेहरे को शेयर करते हुए एक और यूजर ने कहा, चौकीदार ही चोर है पापा। एक अन्य यूजर ने कहा, इतना व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत भेजा करो पापा, गैलरी भर गई है, अभी तो हमें और जलील होना है पापा। वहीं ध्रुव राठी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के हैशटैग के साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए लड़की की मीम पर कहा है, खुद 1200 करोड़ खा गए और हमें 2 रुपए दे रहे हैं पापा। वहीं प्रियंका देशमुख नाम के यूजर ने कहा, अब ये किसने बना दिया हैशटैग चंदा चोर मोदी, CGI ने पता नहीं क्या फाड़ दिया पापा। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।